Hi, Arbaz and Anushka. Welcome to Delhi. How are you guys doing? Thank you. Doing very well. Great, yeah. First of all, I want to say amazing and impactful trailer, Patna Shukla. Arbaz, what inspired you to come with a concept of courtroom drama and particularly the education scam? So, ऐसे कोई selection के time पे कोई मैं particular नहीं था कि भाई मुझे courtroom drama की के ऊपर ही script फाइनल करनी थी या यू नो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही फाइनल करनी थी. आई एज अ रेगुलर फिल्म प्रोड्यूसर वाज लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. नाउ इफ द स्क्रिप्ट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वुड हैव बीन यू नो एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जो भी मुझे एक्साइट करता है एट दैट पॉइंट टाइम. सो विवेक बुदाकटी कोटी जो डायरेक्टर थे हमारे फिल्म के, वो मुझसे बार बार मिलते थे और दूसरे अलग अलग आइडियाज सुनाते थे, बट कहीं ना कहीं वो जर्मिनेट नहीं हो पाता था. इट कुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टन स्टेज. So when he came with this idea, I found it very interesting, and then I said develop this thing. And when he developed it, it seemed very interesting. Now it happened to be an interesting story, which was, you know, a small town, you know, about a lawyer, about a girl who was from a marginalized community, जो अपने paper खुलवाना चाहती थी क्योंकि उसको अपने suspect करती थी कि उसके जो marks हैं वो same नहीं हैं, and जो उसको obstacles और opposition होता है, and how they fight the system and how they whatever जो happens जो फिल्म के अंदर आप देखोगे जब रिलीज होगी फिल्म. तो कहानी इंटरेस्टिंग थी. आई वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर कि भाई एजुकेशन सिस्टम या यू नो कोर्ट रूम के ऊपर, बट आई हैव नो रिजर्वेशन. अगर कोई अच्छी कहानी है तो चाहे वो कोर्ट रूम ड्रामा हो या कोई एजुकेशन सिस्टम पे हो, आई वुड स्टिल मेक इट. सो दिस वॉज दैट, दिस वॉज द रीजन वाई आई गॉट इन्वॉल्व्ड. Anushka, you have come a long way making debut with SP Chauhan, you did Maharani, Thar, Boys Hostel, Crush course, and latest the Love Stories too. Yeah. So, kaisa safar raha industry mein abhi tak? I mean, definitely. I'll say ki mere saath ek achhi cheez jo ye hui ki I was just passed on from one good hands to the other. तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं जब लोग बोलते हैं कि और ऐसे बोलते हैं, आप कभी अपनी लाइफ को ऐसे टाइमलाइन पे नहीं देखते हो आप. व्हेन यू आस्क सच क्वेश्चंस यू रियली वांट टू रिकैप्चुलेट एंड यू वांट टू लुक एट इट लाइक दैट. तो डेफिनेटली यार, एंड द काइंड ऑफ फिल्मोग्राफी यू सेड, कई बहुत ज़्यादा मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझे एज एन एक्टर सबसे अमेजिंग चीज लगती है कि just the start, but I think I was picked by good people. So आपने बोला कि बहुत सारे अलग अलग characters निभाए. अभी recently आपने bold character निभाया रेखा का, and now गरिमा. तो कैसा transformation रहा? Character निभाया है, and this is Rinki का, Rinki Kumari's character I'm playing. तो कैसा? ट्रांसफॉर्मेशन या डेफिनेटली. एंड आई थिंक क्योंकि दोनों का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं अलग है. इट्स नॉट ओनली आई एज एन एक्टर एज अ व्यूअर ऑल्सो आई डोंट लुक द कैरेक्टर्स एज कि ये बोल्ड था या नहीं था, इसका वॉइस क्या है. और दोनों का बहुत अलग वॉइस था, दोनों का वर्ल्ड बहुत अलग है, दोनों के स्ट्रगल स्टाइल से बहुत अलग है. वो किसी बहुत अलग चीज़ से जूझ रही थी जहाँ से उसको निकल के बाहर आना था, बट उसके हाथ में उतनी चीज़ें नहीं थी. वो क्या कहना चाहिए, रेखा का कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबा हुआ था. मेरा जो कैरेक्टर रिंकी है उसमें वो बहुत ज़्यादा चीज़ है कि शी कम्स विद अ लॉट ऑफ एंग्स्ट, she comes with a lot of enthusiasm, and as a young blood she is like ki mujhe nahi pata main to lad jaungi beat system se, mujhe ye bhi nahi pata ki mujhe kis se ladna hai. aur dheere dheere jab film khulti hai aur usko pata nahi hota ki yaar ye war itna bada hone wala tha aur itne bade logon se ladne wali thi, and then someone asks you ki aap fir bhi ladogi, I was like ha main fir bhi ladungi. to I think wo character ne jo rinki jo mere sath puri life rehne wala hai, कि अब मुझे लगता है जो हम छोटे छोटे रीजंस देते हैं ना खुद को कि यार ये तो ऐसा नहीं कर सकते फिजिकलिटी की वजह से या इस चीज़ की वजह से उस चीज़ की वजह से, वो नहीं है, वो रिंकी ने मुझे स्ट्रेंथ दिया. तो रिंकी के कोई ट्रेट्स जो अनुष्का की रियल लाइफ में रिलेट करते हो, रिजेंबल करते हो? मैनी एक्चुअली. यही है कि सबसे पहले तो कि अगर कुछ गलत है तो उसके लिए आवाज़ उठाना फॉर श्योर. तो मुझे नहीं पता मैं रियल लाइफ में कितना ज़्यादा कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ रिंकी प्ले करने के बाद अब शायद थोड़ा और ज़्यादा कर पाऊंगी. No means no. Arbaz, what made you choose Raveena Tandon as Tanvi Shukla? So, actually script अपने आप बताती है जो character है, जो role है उसका, जो भी she was a you know like a middle-aged woman who was married with an 8-year-old son, and you know she was juggling her life between a husband and a child and her own profession that she was. तो उसके विश हमारे विश लिस्ट में जब हम देखते हैं कि इस रोल के हु सूट्स दिस काइंड ऑफ रोल,
So we needed a nice actress who was, you know, who had a face value, who was bankable, who was very good at her craft. And obviously, Raveena ji was the one of the main ones that we had in mind. And we were lucky that jab humne unko kahani sunai aur unko, actually maine unko PDF file bheja tha, script ka. And she returned by saying that she really loved the script and she wanted to be part of it. And then we worked on it and then film ho gaya. So she was somebody who was at the top of my list in terms of who would do justice to this role. So are we going to see Arbaaz Khan donning a hat again as an actor anytime sooner? Yes, for sure. Yeah, I am working on a few projects, yes. So इस पटना शुक्ला में कोई मतलब आपको कभी लगा कि रवीना के अगेंस्ट ऑपोजिट आपको कास्ट होना चाहिए या सो आई लुक एट एन एप्ट कास्ट फॉर द रोल सो जब मैं मानव के साथ तनाव कर रहा था और जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो हम जब रोल के लिए कास्ट कर रहे थे मैंने अपने आप को कभी भी पहले से नहीं सोचा था कि ये यू नो जो रवीना के ऑपोजिट जो हस्बैंड का रोल है वो मैं प्ले करूंगा आई वाज ऑलवेज थिंकिंग हु वुड बी अ गुड चॉइस फॉर इट वुड बी अ गुड चॉइस फॉर इट तो मानव दो मैंने उनको ही प्लेज वेरी यू नो दिस पावरफुल रोल्स एंड यू नो एग्रेसिव रोल्स एंड यू नो एक्शन ओरिएंटेड रोल्स आई शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम इन द इवनिंग एंड आई सॉ वेरी वल्नरेबल एंड अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग इन दैट एंड आई सेड यार ये जो आपका जो रियल लाइफ कैरेक्टर है ना ये तो ठीक है एक इमेज में आदमी अपने आप को दिखाता है उसकी इमेज अलग होती है यू नो एंड रियल लाइफ में अलग होता है मतलब अगर आप ये कैरेक्टर मेरे स्क्रीन के ऊपर प्ले करोगे ना तो दिस इज द कैरेक्टर आई एम लुकिंग फॉर इन द फिल्म एंड ही वाज अ लिटिल स्केप्टिकल सीरियसली आई सेड तुम स्क्रिप्ट कर लो आई थिंक यू आर गोइंग टू बी माय फर्स्ट चॉइस इफ यू लाइक इट यू नो आई लव टू हैव यू ऑन बोर्ड सो ही रेड द स्क्रिप्ट एंड वी डिस्कस्ड इट एंड देन फाइनली ही केम ऑन बोर्ड नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई आई नेवर कंसीडर्ड मायसेल्फ बिकॉज फर्स्टली आई डिडंट थिंक दैट आई वाज एट दैट पॉइंट टाइम द एप्ट चॉइस फॉर लाइक एक विश लिस्ट के अंदर एक होते प्रायोरिटी होती है कि ये कर लेगा तो ठीक है अगर ये नहीं तो फिर ये कर लेंगे तो ठीक है अगर ये नहीं तो फिर ये इनसे करा लेंगे तो मैं उनमें से था कि फिर मेरे से करा लूंगा मैं क्योंकि अगर सबने अगर रिफ्यूज कर दिया किसी भी वजह से डेट्स की वजह से या उनको रोल समझ में नहीं आया ये वो तो एक वो ऑप्शन एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास हमेशा रहेगा कि आई फिट दैट सिनेरियो वेर यू नो आई कैन वी आर फ्रॉम द सेम ईरा व्हाटएवर आई कुड हैव प्लेड दैट कैरेक्टर and all that but I didn't want to distract myself from the fact that I was concentrating more on casting right and giving my time and energy to the film and not getting distracted by playing a role in it ab isse pehle bhi maine ek film ki thi Dolly ki Dolly usme ek heroine thi aur teen heroes the I could have very and wo kuch 10 saal pehle film bani thi to you know I could have very well cast myself in any one of those roles and say yaar I'm producing the film teen role hai bhai main ek role kar leta hu but I didn't think that I was suited even for any of those roles The kind of characters that had been developed, I felt they were better actors at that point in time who would do justice to that role. So I'm very fair and just when it comes to films that I produce because I don't want to miss out on the right casting. So if someone is my friend, then I probably won't cast him because I don't think that you know I'm doing justice to him or to me. So this whole thing about you know I'm very particular about who's the right technician, who's the right cast. For the film, you know, because it's a film, you know, we, जैसे बोलते हैं ना कि it'll go into the archives. हम रहे ना रहे हमारी फिल्में हमारे बाद भी रहेंगी तो आप ऐसा काम करके जाओ जो लोगों को पसंद आए यू नो लाइक के भाई ठीक है you've done justice to the work that you've done. तो सेट्स पे कौन ज्यादा फन मस्ती खोर था अनुष्का या रवीना आई थिंक रवीना जी वॉज लाइक वेरी फन बिकॉज शी हैड You know, she was quite the senior also on the set amongst all the other people. We had a very young cast and very young team and all that stuff. And her little seniority with me, we were the 22 seniors in the whole thing. But it was like she would take control because baki log sab thode dare hue the, you know, like because they. But she brought she very soon in a comfort level, sabka bad gaya and you know there was everybody was no there was no hierarchy like you know. ऐसा नहीं कि भाई ये इनके सामने ये नहीं बोल सकते या ये नहीं कर सकते आई थिंक द फ्रीडम वॉज देयर फॉर एवरीबडी टू बी एक्सप्रेसिव एंड टू हैव फन एंड एक्चुअली क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि फिल्म के सेट के ऊपर क्या मस्ती हुई क्या मजाक हुआ बट माहौल फिल्म का बड़ा अजीब होता है इट्स लाइक टेल मी वन थिंग कि आप किसी से डॉक्टर से पूछो कि हार्ट सर्जरी करते वक्त क्या आपने कितना मजा लिया कितना एक्साइटमेंट था आप मुझे बता सकते हैं कि भाई क्या क्या जोक्स हुए तो बोले यार मैं हार्ट सर्जरी कर रहा था यार Why would I have any comedy or jokes on it? So a film set is actually a very serious business. People are concentrating on their work. They are concentrating like cameramen apne
अपने क्राफ्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है, एक एक्टर अपने लाइंस याद कर रहा है, कोई कोई कुछ सेटिंग कर रहा है तो कुछ कोई कर रहा है, आई मीन उसे कोई मज, एक भी आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है ना वो सबको डिस्ट्रैक्ट करता है. तो दिस होल कॉन्सेप्ट के यार सेट पे क्या मजे हुए, वो स्ट्रे मजे कोई ब्रेक वगैरह में हो जाता है, बट कोई मजे करने नहीं जाता है सेट के ऊपर, सब काम करने जाते हैं सेट के ऊपर. तो कभी कभी कहानियां नहीं निकल आती कि भाई यार बताओ तो सही क्या मजा आया, अरे भाई सुबह से लेके शाम तक काम ही कर रहे थे, उसी पे ध्यान था हमारा, वो तो जब पैकअप हुआ उसके बाद मजे कर रहे थे, सेट पे कुछ नहीं हुआ था, राइट है ना? आई थिंक बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू गेट इट राइट, एवरी वन पर्सन डिस्ट्रैक्टेड विल डिस्ट्रैक्ट एवरीबॉडी एल्स. अनुष्का, आपने सतीश कौशिक जी के साथ पहले भी काम किया है और अभी इस फिल्म में भी काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कैसे एक कोई ऐसी चीज़ जो आपने उनसे सीखी हो जो आप अपनी लाइफ में और करियर में यूज़ करते हो? बहुत, आई मीन, और मैं इसलिए मैं बीच में बोलना चाहती थी, मैं बीच में बोला नहीं किस दिन सर सिंह कि उन्होंने एक ऑप्शन नहीं डाला कि हु वॉज द फनीएस्ट, सतीश कौशिक सर एक्चुअली. Yeah. He's a kid who'll find. I still use a present tense for him, man. We all miss him. Seriously, he was so amazing as a person, as an actor, and it's very unfortunate that the film is releasing and you know he's not amongst us. Yeah. It's very sad, and you know. And even that hammer also, no? Because उन्होंने जज साहब का जो character किया, तो उन्होंने क्या? He used to find, like a kid. He was curious about life. उनको उसमें मजा आ रहा था, पता है कि टक टक, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू लाइक कॉल मी कौशिक, कौशिक 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 यार तू सुन नहीं रहे, मैंने कहा हाँ सर ये रही है. तो हमेशा कह रहे अगर ये फिल्म पहले बन जाती पता है मैं कैसे करूँ, तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, एंड यूज टू एंजॉय दैट अ लॉट. एंड देयर इज वन किड हु केम फ्रॉम लाइक अ जूनियर आर्टिस्ट, केम टू लाइक आर यू from his family, are you a nepo kid, like कौशिक कौशिक तुमको बहुत प्यार करते थे, लाइक बट आई विश, या he's just full heart. I mean, we still, we all miss him. Yeah, a lot. We miss him. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.